नमस्कार फरम भाई, मैं अरुण कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ जुमला नरोखेड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों फरम भाई, जुलाई का ट्रेनिंग सेशन समाप्त हो चुका है। जुलाई के ट्रेनिंग सेशन में फरम भाई ने कौन से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन के वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ अगस्त का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन लगने जा रहा है वो 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक लगेगा। 5 दिवसीय इस ट्रेनिंग सेशन में फारूम भाइयों को 28 से ज़्यादा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन करने का अनुभव मिलेगा। दोस्तों स्ट्रक्चर डिजाइन से लेकर फीड फार्मूला से तक सभी तरह की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। किस तरह से आपको ब्रीड का सिलेक्शन करना है, किस तरह से सेफ क्रॉसिंग लेनी है, प्रेगनेंसी के समय में एक फीमेल को कौन से सप्लीमेंट देने की आवश्यकता होती है, सेफ डिलीवरी कैसे आप करा सकते हैं, साथ में 45 डेज ऑफ पिगलेट केयर के अंदर एक पिगलेट के कैसे टीथ कटिंग करनी होती है, टेल कटिंग करनी होती है, कास्टेशन करनी होती है, खस्सी करना होता है, सभी तरह की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। साथ साथ मेडिसिन के विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे, कौन सी वैक्सीनेशन किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन से सीजन में इसको लगाया जाता है, किस तरह से रिपीट होती है, इसके विषय में पूरी जानकारी फारूम भाई के साथ साझा करेंगे। इसके साथ साथ अगस्त के ट्रेनिंग सेशन में फारूम भाइयों के लिए एसी रूम विद अटैच वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। फुल्ली वाईफाई जोन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ घर का बना हुआ शुद्ध खाना आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। जूंडला करनाल से पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी इंडियन पिक फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर आपको प्रोवाइड कराता है। दोस्तों अगस्त के ट्रेनिंग सेशन की 50% सीटें आरक्षित हो चुकी है, केवल 50% ही बाकी है। जो भी फार्म भाई इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहता है जल्दी से जल्दी अपनी सीट को कन्फर्म अवश्य करा ले। तो दोस्तों चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर, दिखाते हैं जुलाई के ट्रेनिंग सेशन में फार्म भाइयों ने आज कौन से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन को किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों सुबह की शुरुआत हुई क्लिनिक प्रोसेस के साथ। जो एनिमल्स के लिए खोर बनी हुई होती है जिनके अंदर उनका फीड डाला जाता है, कई बार एनिमल उनके अंदर अपना मल और मूत्र त्याग देते हैं। ऐसी खोरों की सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। अगर उन्हीं के अंदर फीड डाल दिया जाए तो फीड गंदा हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है और आपके एनिमल में कीड़े बनने की संभावना भी बनी रहती है। इसके बाद फार्म भाइयों ने फीड को मेजरमेंट किया, कौन से बाड़े के अंदर कितने एनिमल है, कितना उनका फीड जाएगा, कौन से एनिमल को कौन सी मेडिसिन मिक्स करके फीड में देनी है, इसके विषय में पूरी जानकारी फार्म भाइयों को उपलब्ध कराएगी। फीमेल को कौन सा फीड जाएगा, प्रेग्नेंट फीमेल को कौन सा फीड जाएगा, ग्रोवर्स को कौन सा फीड जाएगा, बच्चों को कौन सा फीड जाएगा। इसके बाद सभी दोस्तों ने फार्म भाइयों ने अपने हाथों से ही फीड डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास को पूरा किया। एक एक एनिमल के बारे में पूरी जानकारी फार्म भाइयों को प्रोवाइड कराई गई, कौन से एनिमल को कौन सा फीड डालना चाहिए, किस किस समय डालना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से सभी फार्म भाइयों को बताया गया ताकि जब वो अपनी फार्मिंग की शुरुआत करें उनको पता रहे कौन सा एनिमल कितनी फीड मांगता है, कितनी फीड उसको देनी है, ओवर फीडिंग ना हो जाए, कम फीडिंग ना रहे, सभी जानकारी अब फार्म भाइयों को उपलब्ध कराएगी। दोस्तों बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के आप यह सब चीज़ें नहीं जान पाओगे, नहीं सीख पाओगे, इसीलिए पिग फार्मिंग शुरू करने से पहले प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि थ्योरेटिकली ये कहना बहुत आसान है कि इस एनिमल को इतनी फीड डाल दीजिए, इस एनिमल को ये मेडिसिन दे दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन उससे उलट प्रैक्टिकली बहुत अलग होता है, इसलिए ट्रेनिंग सेशन बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, फीड डिस्ट्रीब्यूशन का सुबह का प्रैक्टिकल सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे बोर के लिए कौन सी डाइट मेंटेन करनी चाहिए इसके विषय में यह प्रैक्टिकल क्लास है। दोस्तों हमारा बोर हमारे फार्म की रीढ़ की हड्डी होती है। जितना अच्छा बोर आपके फार्म पर होगा, जितनी अच्छी उसकी डाइट होगी, उतना ही अच्छा आपका बोर एक्टिव होगा, उसके सीमन की क्वालिटी अच्छी होगी, उसके सीमन की क्वांटिटी अच्छी बनेगी। तो अपनी बोर की डाइट को स्पेशल बनाने के लिए किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है इसके विषय में फार्म भाइयों को बताया जा रहा है। कौन से चीज़ों को मिला के बोर की डाइट को अच्छा बनाया जा सकता है जिससे वो अच्छी क्रॉसिंग दे, अच्छी कंसीविंग दे और उसके जो बच्चों का रिजल्ट है वो अच्छा है। एक बारी पास में ला के दिखा दीजिए। बोर की फीड के साथ साथ हम बोर की फीड के अंदर चनों का समावेश करेंगे। देसी चने जो होते हैं उसको इसके अंदर डाला जाता है। साथ में सर्दियों के मौसम में आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो। 40 से 50 ग्राम शक्कर एक दिन की डाइट में आप बोर की शामिल कर सकते हो। शक्कर के अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है और अच्छी तरह से ये उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है और खाने को पचाने में भी सहायता करता है। साथ में अंडे को भी आप शामिल कर सकते हैं। अंडे से
उसको बढ़िया मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। इसके साथ साथ कैल्शियम की मात्रा भी हम अपने जो सांड है, अपना जो बोर है, उसको शामिल करेंगे। 15 ml कैल्शियम की मात्रा लेंगे और इसके साथ साथ मैग्नीशियम की एक टैबलेट उसको दी जाएगी ताकि उसके सीमन की क्वालिटी अच्छी बन सके। किस तरह से डाइट बनानी है फार्मर को, फार्मर भाइयों के साथ प्रैक्टिकली इसको शेयर करेंगे। आप वीडियो में बने रहे। 2 मुट्ठी इसके अंदर चने आ गए, साथ में 40 से 50 ग्राम शक्कर, इसके साथ साथ एक अंडा, इसका छिलका भी इसी के अंदर डाल दीजिए। इसके साथ साथ इसमें 15 ml कैल्शियम जाएगा। और एक टैबलेट इसमें से निकाल लीजिए, इसके अंदर ये पानी डाल लीजिए, इसको आप इसी के अंदर मिला दीजिए। ये आपके बोर की डाइट कंप्लीट हो गई है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके आप अपने बोर को दे सकते हो। बोर बड़ा ही पसंद करता है, एकदम बोर इसके ऊपर खाने के लिए आएगा। ये देखिए, अभी एक फीमेल की क्रॉसिंग के लिए आए हैं, फीमेल को आप दिखा दीजिए। यह हैम्पशायर की फीमेल है, प्रॉपर हीट पे आई हुई है। किस तरह से फीमेल की हीट को चेक करना होता है इसके विषय में भी फार्म भाई के साथ प्रैक्टिकली शेयर करेंगे। कौन से बोर के साथ फीमेल की क्रॉसिंग करानी चाहिए, जिस समय उसका जो वेट हो उसके हिसाब से बोर सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा, बड़े बोर को अगर अप्लाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और फीमेल की वेट के अकॉर्डिंग अगर हम बोर को यूज़ करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, सभी चीज़ें फार्म भाई के साथ प्रैक्टिकली शेयर करेंगे। उसके साथ साथ फीमेल की ईयर टैगिंग भी करेंगे ताकि हम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के लिए। धन्यवाद। एक जगह रुकी हुई है, फीमेल के पुट्ठे ऊपर आप दबाव दोगे तो फीमेल एक जगह खड़ी रहेगी। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी फीमेल प्रॉपर लॉक पोजीशन में है, प्रॉपर हीट के लिए रेडी है, क्रॉसिंग के लिए रेडी है। तो अभी इसको क्रॉसिंग के लिए डालेंगे। दोस्तों लाइव क्रॉसिंग के दौरान कौन सी फीमेल पर कौन से मेल को आपको अप्लाई करना है, अगर छोटी फीमेल पे आप बड़े मेल को अप्लाई करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फीमेल का पैर टूट सकता है, मेल भी चोट खा सकता है, इसलिए इस फीमेल के लिए जो प्रॉपर बोर होना चाहिए उस बोर को ले आए हैं। सामने आप जो देख पा रहे हैं हैम्पशायर की फीमेल है और इसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग हम ले रहे हैं बेलारूस के साथ। बहुत ही बढ़िया लाइव सेशन रहा, सभी फार्म भाइयों ने क्रॉसिंग के सेशन को प्रैक्टिकली देखा। इसके बाद फार्म भाइयों को किस तरह से आप अपने बोर को डम्मी के ऊपर ट्रेंड कर सकते हो इसके विषय में बताया, क्योंकि आने वाला समय AI का है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटे के बटन को दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगस्त के ट्रेनिंग सेशन के लिए प्लीज़ जल्दी से पहले अपनी सीट बुक अवश्य करा लें।